आदरणीय सभापति महोदय, सहकारिता मंत्रालय के गठन के बाद पहली बार मुझे ये बिल लोकतंत्र के सर्वोच्च मंत्र के समक्ष रखना स्वाभाविक की बात है। आदरणीय सभापति महोदय, देश जब आज अमृत महोत्सव आजादी का मना रहा है, आने वाले 25 साल देश को समृद्ध और आत्मनिर्भर बनाने का है, ऐसे में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत सरकार में पहली बार मंत्रालय की आवश्यकता को देखते हुए मंत्रालय बनाने का निर्णय लिया और सहकारिता मंत्रालय ऐसे हाथों में देने का काम किया जो बड़े और कड़े निर्णय लाने लेने के लिए जाने जाते हैं। आदरणीय सहकारिता मंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी का सहकार से समृद्धि का विजन, उसको पूरा करने के लिए लगातार मंत्रालय हमारा काम कर रहा है। हम सब जानते हैं कि देश के स्वभाव को सहकारिता आंदोलन एकदम अनुकूल करता है और हमारे मूलभूत चिंतन स्वभाव संस्कार के अनुकूल व्यवस्था है। ये उधारी लिया हुआ विचार व्यवस्था नहीं है। वो सारी व्यवस्थाएं अगर हम लाते हैं तो उसमें विदेशी तत्व भी है, स्वाभाविक रूप से रेसिस्टेंस सिस्टम रहता है। और हम तो यहाँ पर सांसद बहुत सारे हमारे ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं और जैसा कि हम जो कृषि का काम करते हैं तो खेती के काम में बुआई का समय आता है, कटाई का समय आता है, उस समय हम श्रम शक्ति को बढ़ाने के लिए आपस में मिलजुल कर इसे हम काम करते हैं। सम्मानित सभापति महोदय, ये मल्टी स्टेट कॉपरेटिव सोसाइटी संशोधन विधेयक 2022 की आवश्यकता क्यों पड़ी, इसके लिए मैं आपके समक्ष में रखना चाहता हूं कि हमने इस विधेयक को लाने के लिए विस्तार से लोगों से परामर्श किया, प्रस्तावित संस्थाओं पर मंत्रालय में हुए गहन विचार विमर्श और केंद्रीय मंत्रालयों राष्ट्रीय सहकारी समितियों के साथ परामर्श किया। लगभग 28 केंद्रीय मंत्रालयों विभागों 13 राष्ट्रीय सहकारी समितियों से सुझाव प्राप्त हुए जिन्हें विचार करके उपयुक्त तरीके से शामिल करने का काम किया है। इस बिल को हमने इंट्रोड्यूस करने के बाद ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को भी भेजा। ज्वाइंट कमेटी की 8 बैठकें हुई जिनमें से विधेयक प्रस्तावित संशोधनों के संदर्भ में मैं कहना चाहूँगा कि सभी से हमने परामर्श लेने के बाद और उसमें कहीं कोई किसी को संशोधन नहीं हुआ और हमारे लिए ये बिल आज लाने के लिए मुझे हर्ष का विषय है। और मैं कह सकता हूँ कि इसमें इस प्रकार के प्रावधान इसमें रखे गए हैं जो हमारे शासन को, सहकारिता के शासन को मजबूती मिलेगी, इसमें पारदर्शिता बढ़ेगी, जवाबदेही इसके लाने से बढ़ेगी, निर्वाचन प्रक्रिया में सुधार लाने का काम होगा, 97 संविधान संशोधन के प्रावधानों के अनुसार संशोधन करने का काम भी होगा। और माननीय अध्यक्ष जी, इस मल्टी स्टेट बड़े बिल में मैं कह सकता हूँ कि जो पहले अनियमितताएं आती थी उनको भी हम दूर करने का काम करेंगे। ये अनियमितताएं इस प्रकार की थी, इसमें वित्तीय गबन के मामले आते थे, चुनाव कराने में विलंब होता था, विवाद के मामले आते थे, ऑडिटर्स का पक्षपात चयन होता था, भर्तियों में पक्षपात होता था, सदस्यों के सक्रिय प्रतिभागिता की कमी होती थी। आज जैसी शिकायतों के कारण से हमको इस बिल लाने की आवश्यकता पड़ी। तब माननीय सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूँ अंत में कि इस ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने इस बिल के सभी प्रस्तावित प्रावधानों को बिना किसी अमेंडमेंट के स्वीकार भी किया है और इस प्रक्रिया को जारी रखते हुए आज हम बिल लेकर आए हैं। और आज मैं महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम 2002 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर लोकसभा द्वारा पारित रूप में विचार किया जाए।